जाते सलाम अली होती थी हमारे भाई क्या बोलो, कल डॉक्टर को बुलाया, उन्हें इधर लेट हुआ था, मैं खुद लेके तकरीबन 3-4 बार मार दिए, हफ्ते में 2-3 तो हो गए वहाँ पर। शरीफ नगर से पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्लाह खान, स्पोक्समैन MBT। मैं फ़िलहाल जो हूँ ये इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन के पास हूँ मैं। एक्चुअली अभी हमारे ACP आदि भट्टा ACP इब्राहिमपट्टनम से मेरी मुलाकात हुई। इशू ये है कि मोहम्मद हाजी एक्चुअली इन्हों इब्राहिमपट्टनम के रहने वाले हैं, लेकिन तकरीबन 10-15 साल से हाफिज़ बाबा नगर में रह रहे थे, और ये जो संतोष नगर चौरस्ते पे मस्जिद मंदिर है वहाँ पर नारियल बेचते थे। कई मर्तबा मेरे से भी सलाम अलैकुम हुई। आज दिन में जो है ये मोहम्मद हाजी साहब और एक दो जनों के साथ में आदि भट्टा दरगाह को आए थे। वो दरगाह से जो है, क्योंकि इनका कुछ दिन पहले 2 स्टंट डाले थे, इनका हार्ट सर्जरी हुई थी, तो वहाँ पर ये लोग आए। आने के बाद में ये हुआ कि कहीं एक मुकाम पर ठहरे थे, ये RCI रोड पे तकरीबन 3:30 बजे के वक्त में ये लोग ठहरे हुए थे वहाँ पर। तो जब ये लोग वहाँ पर ठहरे हुए थे, कुछ लोग आके इन लोगों को चोर समझ के पकड़ लिए, इन लोगों को, इनके साथ के 2 लोगों को पकड़ के पुलिस को फ़ोन करके पुलिस को बुलाए, वो लोग आदि भट्टा PS को बुलाए, बुला के इन लोगों को हैंड ओवर करे, क्योंकि इनकी हार्ट सर्जरी हुई हुई थी। वो भाग दौड़ में जो है इनको सीवियर पेन आया, इमीडिएट इनको हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल में जो है इनका डेथ हो गया। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑर्डर है और NHRC के गाइडलाइंस है कि ऑल एक्सीडेंटल डेथ शुड गो थ्रू पोस्टमार्टम, तो कल पोस्टमार्टम करके इनकी बॉडी देंगे, और हाफिज़ बाबा नगर में नमाज जनाजा के बाद में इनकी तदफीन वहाँ पर आएंगी। इनके तमाम रिश्तेदारों की ख्वाहिश थी कि आप बगैर पोस्टमार्टम के बॉडी दिलाइए। हम ACP से बात किए, लेकिन 90% केसेस में जो है पोस्टमार्टम कंपलसरी है। क्या एक्चुअली ये क्या कैसा हुआ इनका डेथ? ये लोग दरगाह को जा रहे थे साहब, हाँ, तो रास्ते में चाय पींगे बोल के रुके, हाँ, वहाँ चाय नहीं मिली तो कुछ कोल्ड ड्रिंक ले लिए लोग, हाँ, कोल्ड ड्रिंक लेके वो कोई कंटेनर था गए थे वहाँ पे कुछ नमूने का, तो ऐसा कैसा कंटेनर बोले तो वही कंटेनर जो आप बड़ा जो बड़ा बॉक्स आ रहा है होटल के टाइप जो बना के दे रहे रूम्स का, वो था। तो उसको देखने के लिए बोल के रुके लोग, अजीब दिख रहा बोल के रुके, तो वहाँ के गांव वाले ऑलरेडी 15 डेज पहले उसमें चोरी हुई गए थे वो कंटेनर में, तो ये लोग गलती से वहाँ पे रुक गए। बिलों को कुछ मालूम नहीं, रोड पे चलने वाला, ठंडी हवा दिखी तो रुक के चाय वही पी लेते आप हम भी, वैसे जो है ना रुके लोग, रुके तो गाँव वाले आके ये 2 बच्चों को मार दिए। अच्छा, पेशेंट को भी मार रहे थे मगर इन्हों बीच में आके पेशेंट को रुका दिए, पेशेंट के ऊपर हाथ उठाने नहीं दिए। पुलिस वाले PS को लेके आए, बोलों की क्या है पूरा कर लेके, उसके बाद में हॉस्पिटल को लेके जा रहे थे। PS में जो है ना, PS के अंदर डेथ हो गया उनका, कैसा हार्ट अटैक, कैसा दिल में दर्द हो रहा। इनकी सर्जरी हुई थी पहले, सर्जरी स्टंट डाले थे, 2 स्टंट डाले थे अपने अपोलो में। ठीक है, इंशाल्लाह देखिए अल्लाह उनकी मगफिरत करे, आमीन। और उनके कोई बच्चे भी, 2 बेटियां हैं बोल रहे थे, एक बेटी की शादी हो गई और एक बेटी के, इंशाल्लाह कल ही रिश्ता आया था बच्ची के लिए। ठीक है, अब वो जो इन लोगों को जो मारे, हम बोले ACP साहब को कि उसका भी जिक्र करना, और वो जो मारे सो वालों को पकड़ना। ऑटो वॉश करके गए थे किराए का जी, वो भी ऑटो ले लिए। कौन ले लिया ऑटो? पुलिस वाले। पुलिस वो दे देते वो ऑटो ले लिए, फोन ले लिए। नहीं, वो तहकीकात करते ना वो लोग पूरा जी, भाई क्या वाकया हुआ, क्या हुआ पहले तो पोस्टमार्टम होने के बाद में उसकी पूरी तहकीकात होती,
वो कौन मारे उन लोगों को भी बराबर गिरफ्तार कराएंगे, इन लोगों को जो मारे सो लोग हैं, क्योंकि वो रोड पे है, दो तीन वाकयात हो गए ऐसे मार के भाग जा रहे हैं वो लोग, किसको भी चोर बोल के मार रहे हैं भाग जा रहे हैं। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, मैं कल सुबह फिर बात करता हूँ, ठीक है। चलो।